भागलपुर के सेंट डिस कंपाउंड कचहरी चौक स्थित सेंट बेनेडिक्ट चर्च और सड़क के आसपास क्रिसमस के अवसर पर सोमवार को मेला सा माहौल दिखाई दिया। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने काफी संख्या में चर्च के समक्ष प्रभु यीशु को नमन करते हुए कैंडल जलाया, जबकि रंग बिरंगी लाइट से सजे चर्च को देखकर लोग काफी रोमांचित दिखे। विशेषकर युवक युवतियों और बच्चों में बड़ा दिन एवं क्रिसमस त्यौहार को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। मेला के दौरान घूमने आई महिलाओं और युवाओं ने चर्च के समीप सड़क के किनारे लगी फास्ट फूड की दुकान पर लुफ्त उठाया, जबकि इस दौरान सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी रही। साथ ही गुब्बारा एवं कई तरह के खिलौनों की दुकान भी सजी रही। हालांकि कोविड काल के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम लोगों एवं युवाओं को चर्च के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जबकि चर्च से जुड़े और ईसाई समुदाय के कुछ विशेष लोगों को पुलिस की मौजूदगी में चर्च के अंदर प्रवेश दिया गया। वहीं इसको लेकर भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान और सेंडिस कंपाउंड परिसर में सुबह के बाद से ही युवक युवतियों और छात्र छात्राओं के अलावा हर उम्र के बच्चों और महिलाओं की भीड़ जुटी रही। बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सेंडिस कंपाउंड में कराए गए विकास कार्य के बाद जयप्रकाश उद्यान परिसर में काफी बदलाव देखने को मिला है, जिस कारण हर वर्ग के युवा और बच्चे वहां घूमने एवं मेला का आनंद लेने पहुंचते हैं। इस दौरान जयप्रकाश उद्यान के मुख्य द्वार के समीप खाने पीने के सामानों की दुकान सजी रही, जहाँ लोगों ने खान पान का जमकर लुफ्त उठाया। इधर क्रिसमस को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई, वहीं वाहन रूट पर भी जाम की स्थिति बनी रही। एक तरह से देखिए हम लोग का श्रद्धा है, हम लोग आए हैं यहाँ अपना प्रणाम पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है और यही सब हम लोग बहुत सब 10-15 आ रहे हैं। अच्छा, जब से कोविड आया है पिछले 3 वर्षों से चर्च को बंद कर दिया जाता है, लोगों को प्रवेश वर्जित रहता है, तो इस पे क्या कहिएगा? एक तरह से देखिए थोड़ा अच्छा भी हम लोग का अभी सेफ्टी हो गया है, जो भी करता है हम लोग को तो आशीर्वाद ये बाहर से मिल जाता है। पूरा फैमिली के साथ ही आते हैं, 2-4 साल से आ रहे हैं यहाँ, और जब भी आते हैं तो कभी अंदर जाने का मौका मिला नहीं। गेट बंद हो जाता है। अच्छा, कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होगा कि इस तरह से सेलिब्रेट अंदर जाए, अंदर जाके घूमे, देखे क्या क्या है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने विपक्षी एकजुटता पर तीखा प्रहार किया है। दरअसल सोमवार को भागलपुर के मुंदीचक स्थित एक विवाह भवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं से कई बिंदुओं पर विचार विमर्श भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और वंदे मातरम गीत के पश्चात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सभी ने नमन किया। कार्यक्रम के पश्चात शहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार यूपी के लोगों के लिए इंडिया गठबंधन के लोग अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जदयू के लिए भाजपा में वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आप देख रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ आयोजित किया है, और क्योंकि मैं अटल जी की कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ और भागलपुर में उन्होंने पत्र के माध्यम से हमारे लिए वोट भी मांगा था, तो सदा उनका आभारी हूँ। और भागलपुर के जीतने पे एक बहुत अच्छा लड्डू भी खिलाया था, तो अटल जी बहुत याद आते हैं। हम सब कार्यकर्ता के लिए वो एक आदर्श हैं और आज उनका जन्मदिन है, तो हम लोग पूरे बिहार में सबसे भव्य तरीके से भागलपुर में मनाया जा रहा है, क्योंकि भागलपुर अटल जी बहुत बार आए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। भागलपुर के जवाहरीपुर काली मंदिर के समीप लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर संजय कुमार और उनकी टीम ने लोगों का ब्लड शुगर और दांतों की जाँच की। शिविर में मुख्य रूप से दांतों से जुड़ी बीमारियों की जांच की गई, जबकि बीपी और शुगर के साथ कई तरह की जांच करने के बाद डॉक्टर और उनकी टीम द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी परामर्श भी दिया गया। वहीं जांच शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, पूर्व सांसद अनिल यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे, जहाँ कई नेताओं की भी जाँच की गई।
इस दौरान चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से शहनवाज हुसैन और अन्य वरिष्ठ नेताओं को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि उन सभी के अभिभावक तुल्य अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप गरीब और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई बुजुर्ग महिलाओं के साथ अन्य लोगों की भी जाँच कर उचित परामर्श दी गई। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी बताया गया। साथ ही शिविर में जांच कराने पहुंचे कई लोगों को विशेष जांच के लिए क्लिनिक में आकर निशुल्क जांच कराने की बात कही गई। प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर भागलपुर बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से एक शिविर लगाया, उन्होंने आयोजन किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के हिंदी भाषियों को लेकर बेतुका बयान दिया। इस पर भाजपा नेता ही नहीं कांग्रेस नेता भी भड़क गए हैं। कांग्रेस के भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने उन्हें कड़ी नसीहत दी है। अजीत शर्मा ने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यूपीएससी का रिजल्ट उन्हें देखना चाहिए। बिहार के आईएएस आईपीएस देश भर में अपनी सेवा दे रहे हैं। देश में कोई भी विकास कार्य हुआ हो तो बिहारियों का योगदान उसमें जरूर शामिल है। दयानिधि मारन ने ऐसा बयान दिया, यह निंदनीय है और वो बिहार आए, यहाँ आकर बिहार की खूबसूरती को देखें। बिहार के लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं और भी सभी काम करते हैं। यही नहीं, हम खुद भी अपने घर पर झाड़ू लगाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बयान के लिए उन्हें देशवासियों और बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बिहार के लोग कर्मठ लोग हैं, मजदूरी करते हैं। निश्चित तौर पर बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे हम झाड़ू लगाते हों या हम बड़े पदाधिकारी हों, काम काम होता है। इनको समझना है। पता नहीं है मारन जी को, पता नहीं कि दयानिधि जी को कुछ पता ही नहीं है काम क्या होता है। काम छोटा बड़ा सब काम होता है। कोई छोटा काम करे बड़ा काम करे सब काम करता है, उसको सम्मान देना चाहिए। अगर वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, यही तमिलनाडु की जनता उनको माफ नहीं करेगी। मैं बता दूं, बिहार के लोग कर्मठ मजदूर होते हैं, मेहनती होते हैं। सभी देश में आज जो विकास हुआ है ये बिहार के लोगों ने किया है, चाहे वो मजदूरी करते हों या बड़े पदाधिकारी हों। आप चले आइए आईएएस आईपीएस में, यूपीएससी में, कि बिहार के लोग कितने स्टेट्स में हैं। जब आप उस लाइन में देखोगे तो बिहार सबसे नंबर वन है। और जब मजदूरी में देखोगे, गरीबों में काम करने की क्षमता, सभी स्टेट में जाके जो भी विकास हुआ है बिहारियों ने किया है उनको। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में अगर आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा देने की सोच रहे हैं तो अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। दरअसल अलीगंज गंगटी स्थित इस्कॉन संस्था के द्वारा शहर में एक उच्च स्तरीय स्कूल बनाने को लेकर लंबे समय से कवायद की जा रही थी, जो अब कहीं न कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस्कॉन के प्रेसिडेंट आचार्य ईश्वर नामदास ने बताया कि शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी आवश्यकता हर किसी को है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन ने बच्चों को शिक्षा देने की ठानी है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द भागलपुर में होने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया
कि ई आधुनिकरण मोबाइल की दुनिया में बच्चे कहीं ना कहीं खुद को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। शिक्षा के साथ इस पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। ऐसे माता पिता जिन्हें अपने बच्चों के लिए लंच बनाने का वक्त नहीं है, वैसी स्थिति में स्कूल परिसर के भीतर लंच की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी स्कूली छात्र छात्रा भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि इस्कॉन ग्रुप के कई स्कूल विदेशों में भी संचालित हैं, जिसको देखते हुए अब शहर में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था देने की परिकल्पना की गई है। मौके पर इस्कॉन ग्रुप के कई सदस्य मौजूद थे। हम भागलपुर में एक स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, भक्ति वेदांत इंटरनेशनल स्कूल। एक्चुअली स्कूल तो काफ़ी हैं भागलपुर में, जैसे कि आप जानते हैं ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब स्कूल हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले, क्योंकि विद्या जो है आपको पैसा कमाना तो सिखा देती है, लेकिन आपको व्यवहार, जीवन का जो उसमें चरित्र है वो नहीं सीख पाते कभी कभी बच्चे। तो आजकल मेरे पास कई समस्याएं आती हैं लोगों की कि उनके बच्चे बुरे चरित्र का, बुरी आदतों का शिकार हो गए हैं, माता पिता की सुनते नहीं हैं, नशे का शिकार हो गए छोटे छोटे बच्चे, और उनको ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है, नास्तिक बन रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने ये जो स्कूल शुरू कर रही है, रहेगा तो CBSE सिलेबस पे बेस्ड CBSE कोर्स रहेगा, लेकिन इसमें हम संस्कार भी देंगे जिससे बच्चे अपने माता पिता का सत्कार, बड़ों की इज्जत और कैसे उनको व्यवहार करना चाहिए, उनका जो चरित्र है उस पर जोर दिया जाएगा। पहले कहा गया है कि अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। भागलपुर सुल्तानगंज के अगवानी पुल निर्माण कार्य में 3 महादलित परिवार की जमीन अधिग्रहण होने पर महादलित परिवार को जमीन का मुआवजा एवं अंचल के द्वारा 3 डेसिमल जमीन रहने के लिए दिया जाना था, पर अब तक ये परिवार बेघर हैं। मामले की जानकारी जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास को मिलने पर उन्होंने महादलित परिवार से मुलाकात कर समस्या के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि महादलित परिवार को हमारी नीतीश सरकार बसाने का काम करती है। साथ ही महेश दास ने अंचल अधिकारी से बात कर महादलित परिवारों को 3-3 डेसिमल जमीन दिलाने की बात कही। मौके पर महादलित परिवार के विश्वजीत कुमार, मुन्ना रविदास एवं बच्ची रविदास ने बताया कि अगवाणी पुल निर्माण में हमारा जमीन जाने पर जमीन का मुआवजा तो दिया गया, लेकिन रहने के लिए जमीन नहीं मिली, इस कारण वो लोग बेघर हो गए हैं। परिवार है महादलित में, हम लोग का जमीन पुल में चला गया है, 3 साल से हम लोग परेशान है उस जमीन के लिए जो गजट में निकाला गया है, जहाँ की हम लोग को विस्थापित करने की बात है। सर, हम लोग का कोई घर द्वार अभी नहीं है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस अवस्था में रह रहे हैं, इसका हम लोग को क्या, हम लोग आते हैं खाली चले जाते हैं बोल के, वहाँ बस जाइए, वहाँ कहाँ बस जाए। लिखित नहीं दिया गया, कुछ लिखित नहीं है, जो गजट में निकाला हम उसी पे हम लोग चाहते हैं हम लोग को मिला। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज में जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा गलत कागज बनाकर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर जमीन मालिक केशव भगत ने बताया कि कमरगंज पंचायत के वार्ड 5 में 150 बीघा जमीन उनके परदादा स्वर्गीय कुंज बिहारी भगत के नाम से है। गांव के दबंग कालीचरण यादव, अकबर खान, बादशाह खान, लाल यादव एवं इनके सहयोगियों द्वारा गलत कागज बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए फसल लूट कर घर का निर्माण किया जा रहा है। विवाद को लेकर भागलपुर न्यायालय में मामला चल रहा है, जिसमें जमीन पर दोनों पक्षों को कोई भी निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी गई है, पर ये लोग न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर घर का निर्माण कर रहे हैं। घटना की जानकारी सुल्तानगंज थाना पुलिस को मिलने पर थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन एवं CO रवि कुमार मौके पर पहुंचे और विवादित जमीन पर निर्माण कार्य करने से रोक लगा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भागलपुर जिला संयोजक सह प्रधान महासचिव सुबोध पासवान का जन्मदिन सनोला प्रखंड कार्यकारिणी अध्यक्ष जयराम के द्वारा केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर सुबोध पासवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष महेश दास, SK सुमन, नितेश कुमार, कमल कुमार, संजीव कुमार, पंचम कुमार समेत काफी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर में वी केयर टीम की ओर से मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा वी केयर के द्वारा भागलपुर के अलग अलग विद्यालयों में भी रक्तदान शिविर लगाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड बैंक की टीम के पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स की मदद से कई लोगों ने रक्तदान किया,
जिससे कुल 91 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस दौरान शिविर में गौतम चौबे, नितेश चौबे, साक्षी, पल्लवी और रवि समेत संस्था के कई सदस्य और रक्तदाता के अलावा अस्पताल के डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।